का तेल आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं और इसमें ऐड कर देंगे आप से 12 करी पत्ते ऐड कर देंगे इसमें और एक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें कुछ सब्जी ऐड करेंगे हम यहाँ पर 200 ग्राम के करीब कटा और छिला हुआ 100 ग्राम के करीब हम यहाँ पर सांभर अनियन ऐड कर रहे हैं और इन्हें दो टुकड़ों में कट कर लिया है आप इन्हें साबुत भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ब्रिंजल यानी कि बैंगन इन्हें भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब हम यहाँ पर ड्रमस्टिक यानी कि सहजन की फली ऐड करेंगे इन्हें सांभर और सब्जियाँ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं अब हम यहाँ पर नमक ऐड इसके साथ ही हम थोड़ी सी रेड कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे अब हम यहाँ पर दो बड़े चम्मच सांभर मसाला ऐड करेंगे और अब हम इसे अब हम यहाँ पर चेरी टोमेटोज ऐड करेंगे आप यहाँ पर कोई भी टोमेटो ऐड कर सकते हैं ये लगभग आधा कप के करीब है और अब हम यहाँ पर तुअर दाल ऐड करेंगे मैंने यह तो इसे गलने में टाइम नहीं लगेगा अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक कप तुअर दाल ली थी तो हम चार कप पानी ऐड करेंगे यहाँ पर और लास्ट में हम इसमें चेरी ऐड करेंगे ये 10 से 15 आप देख सकते हैं और दाल भी अच्छे से एकदम गल चुकी है और ये सांभर अच्छा तैयार हो चुका है अब हम यहाँ पर डालेंगे इमली का पल्प और पानी वॉश करने के बाद और उसके बाद इसे थोड़े से पानी में हमने मैं हींग और कुछ करी तैयार करेंगे 15 से 20 लीजिए हमारा तैयार है अब हम इसे सांभर के अंदर ऐड करेंगे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तो हमारा गर्मा गर्म सांभर तैयार है सब करने के लिए।